नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। बहुत सारे दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम एक बहुत ही आम समस्या है और बहुत बढ़ रही समस्या है। ऐसे में कैसे हम अपने आप को योग के माध्यम से एसिडिटी की प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल से भी हो जाता है, कभी कभी भोजन गलत सेवन कर लेने से भी ये समस्या हो जाती है, और ये सीधा सीधा हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ है। यानी जहाँ दिमाग में स्ट्रेस हुआ, वहाँ पेट में कुछ ना कुछ, चाहे हम उन्हें गूज़बम्प्स कहें या कुछ लोगों को एसिडिक हो जाता है, कुछ लोगों को लूज़ मोशंस लग जाते हैं, यानी हमारा पेट सीधा सीधा हमारे दिमाग से कनेक्टेड है। ऐसे में आप अपने आप को एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ आज के इस एपिसोड में। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि आप जब सुबह सोकर के उठते हैं तो उठते के साथ आप अच्छे से पानी खूब पिएं और पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप नारियल पानी के साथ, यानी पहले जल का सेवन करें, फिर आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप नारियल पानी अगर आपके एरिया में उपलब्ध है तो वो रामबाण का काम करेगा। और नारियल पानी के कुछ समय बाद आप एक केला खा लें सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह जब हम खाली पेट होते हैं उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जब इतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो सर पर चढ़ती है और कुछ लोगों को सर में भी दर्द होता है, वॉमिट भी होने लगता है। आप केले का सेवन करें सुबह खाली पेट। दूसरी चीज़, अपने भोजन का समय निर्धारित करें, जो कि हमने अपने कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि फिक्स योर टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ट्राई टू हैव योर फूड एट दैट टाइम ओनली। यानी जिस वक्त आप अपना समय निर्धारित करें उस ही समय भोजन करने का प्रयास करें कि अगर मुझे 1 बजे लंच करना है तो 1 बजे ही लंच करें, उसे आगे पीछे ना होने दें। तीसरी चीज़, आप कर्ड यानी दही का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर करें। कुछ लोगों को सुबह और शाम को दही सूट नहीं करती, तो वो दोपहर को दही ज़रूर लें, क्योंकि दही आपके पेट के लिए रामबाण का काम करती है। इसके साथ साथ जो हम हमेशा कहते हैं कि पानी खूब पीते रहें, वो बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, साथ में जितना संभव हो स्पाइसी फूड से दूर रहें और कुछ समय गरिष्ठ भोजन ना करें। जो ऐसा भोजन हो जो ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है वो आप लें, और यदि आपके पास अजवाइन है तो अजवाइन को बॉईल करके उसका काढ़ा जैसा बना लीजिए, और भोजन उपरांत यानी ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बाद आप एक आधा ग्लास, जब उसको कड़ा लेंगे तो आधा ग्लास पानी रह जाए, उसका सेवन आप कर सकते हैं। भोजन के बाद या तो वज्रासन में थोड़ी देर बैठें और थोड़ी देर हल्का हल्का सा वॉक भी आप करें तो बहुत लाभकारी है। साथ में आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहली उंगली के टिप को हम अंगूठे के रूट से छू देते हैं और अंगूठे को फोल्ड कर देते हैं, और इस प्रकार से अपने घुटनों पर आप इसे टिका दें, थोड़ी देर वायु मुद्रा में रहें। कौन कौन से योगाभ्यास आपको करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए। इन क्रियाओं का अभ्यास वज्रासन में बैठ करके करें। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो इन क्रियाओं को कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। कमर सीधी करते हुए बैठना और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले आना और ढीला छोड़ देना। दूसरी क्रिया के लिए भी इसी प्रकार से बैठना और गर्दन को बाईं तरफ घुमा करके जितनी दूर तक देख सकते हैं देखना, गर्दन को दाईं तरफ घुमा करके जितनी दूर देख सकते हैं देखना। फिर गर्दन को सीधा करते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंट करना, अपने राइट साइड में बेंट करना, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में ले आना। इसको भी देने के बाद हम अपनी गर्दन को चक्राकार मूवमेंट देंगे, यानी गर्दन को सामने की ओर लाना और एक बड़ा चक्र बनाने का प्रयास करना। ट्राई टू मेक अ बिग सर्कल क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप गर्दन को सीधा कर लें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। स्कंद गति के लिए एड़ी पंजे मिलाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को सामने की ओर फैला दें ऐसे कि पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर।
शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए सांस भरते हुए अपनी कमर से लेफ्ट साइड से ऐसे ट्विस्ट करें कि राइट हथेली लेफ्ट कंधे को छू जाए। जितना संभव हो उतना ट्विस्ट करना और यथा सामर्थ्य स्थिति को रोकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से दाईं ओर से ट्विस्ट करें ऐसे कि बायां हथेली आपके दाएं कंधे को छू जाए। इस स्थिति में अपनी कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य सांस भीतर रोक करके इस स्थिति में रुकना, फील द ट्विस्ट, और फिर धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें अभ्यास करते हुए, हाथों को वापस ले आएं, आपस में मिला दें, पैरों को भी खोल लें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना और शरीर के लोअर हाफ को नीचे की ओर खींचना। श्वास अंदर रुकी रहेगी, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आना, पंजों को भी ढीला छोड़ देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना, पूरे शरीर को खींचना और पंजों को अपनी ही तरफ खींच लेना। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना कूल्हे से, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना, अपर हाफ शुड बी स्टेबल ऑन द फ्लोर, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 से 5 बार तक आप इसे रिपीट कर सकते हैं और फिर हाथों को वापस ले आए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कमर के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करना कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देना, कोहनियां जमीन पर टिकी रहेंगी, यानी कोहनियां जमीन से नहीं उठेंगी, घुटने आपस में मिले रहेंगे। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ लाना और गर्दन को दाईं तरफ ले जाना, कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए पैरों को दाएं तरफ ले जाना, यानी घुटनों को दाएं तरफ ले जाना, गर्दन को बाएं तरफ ले आना। इसे भी आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। ट्विस्ट में फाइनल पोजीशन में ध्यान रहे कि घुटने आपस में मिले रहेंगे, पंजे आपस में मिले रहेंगे, और जिस प्रकार से हम कपड़ा निचोड़ते हैं वैसी स्थिति रीढ़ की होगी, और कमर पर पड़ने वाले आराम को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। कमर के बल लेट जाएंगे, दाएं पैर से हमेशा शुरू करेंगे, दाएं पैर को 45 डिग्री के एंगल पर उठाना, पैर को फोल्ड करते हुए थाई को चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करना, चिन को घुटने से छूना, सांस भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग इन फाइनल पोजिशन, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर बाएं पैर को इसी प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पर उठाना, बाएं थाई को चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करना और फिर अपने चिन को घुटने से लगा करके फाइनल पोजिशन में नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर हम दोनों पैरों से इसको रिपीट करते हैं, दोनों पैरों को 45 डिग्री पर उठाना, चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करना, चिन को घुटने से छू देना, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, सांस छोड़ते हुए फिर से पैरों को 45 डिग्री पर उठाना, पैरों को वापस ले आना। ये एक राउंड है, आप 3 से 5 रिपीटेशंस इसके कर सकते हैं। प्रयत्न शैथिल्यम। भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाना, सांस भरते हुए चेहरा और सीना ऊंचा उठाना, पूरे शरीर का वजन नाभि पर टिका रहे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। 3 से 4 बार इसका अभ्यास करना, हाथों का तकिया बनाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। गोमुख आसन के लिए पैरों को सामने फैला करके बैठेंगे, पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि अपोजिट एड़ी अपोजिट हिप को टच कर जाए और घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे की ओर जाएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे की ओर जाएगा, और इस प्रकार से दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। हाथ मिलाने की कोशिश में अपनी कमर को आगे नहीं झुकाना। इस स्थिति में 5 बार गहरा सांस भरना है और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। इसी क्रिया को पैरों की स्थिति बदल करके भी करेंगे, यानी जो पैर ऊपर था वो अब नीचे आ जाएगा और जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। जब पैरों की स्थिति बदलेगी तो हाथों की भी स्थिति बदल जाएगी, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से,
पीछे ले जाकर के आपस में मिला देना, 5 बार गहरा सांस लेना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। गुरु प्रणाम आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं, हाथों को नमस्ते की स्थिति में लाना, अंगूठे कंठकूप में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे की ओर झुकना, पूरे शरीर को खींच देना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, अपने माथे को भी जमीन से छू देना, कोहनियों को, हथेलियों को जमीन से छू देना, नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य रुकें जितनी देर कंफर्टेबली रुक सकते हैं। और फिर पहले अपनी कोहनियों को उठाना, हथेलियों को उठाना, पूरा शरीर ऊपर की ओर ला करके पीछे की ओर खींच देना और नमस्ते की स्थिति में आ जाना। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारा इस वीडियो को तो लाइक करें ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम भारत योगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास नियमित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोस तो लाते ही हैं, जो कि हर इतवार को, हर संडे को लॉन्च होता है। इसके अलावा वेडनेसडे विजडम, आपके जीवन की, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स का समाधान, योग फिलॉसफी के माध्यम से, साथ में अनेक अनेक और विषयों पर भी नियमित रूप से हम आपको वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर के एक स्वस्थ समाज का और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकें। I hope you found this video helpful. I will be uploading a new video every Sunday. Subscribe to this channel and stay connected to us. You can also like, comment, share and send your feedback. You can also join us at Facebook, Twitter and Instagram.